महुआ के भागवतपुर तरौरा गांव में युवाओं ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया तथा गांव में घूम घूम कर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताया। वहीं इस दौरान युवाओं ने ग्रामीणों के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया तथा लोगों से लॉकडाउन का समर्थन करने और अपने घर में ही रहने की अपील की। इस कार्यक्रम में रमेश कुमार सिंह, सवरजीत सिंह और पेंटर सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे। सरकार के निर्देश के बावजूद अनाज नहीं वितरण किए जाने को लेकर महुआ अनुमंडलाधिकारी संदीप कुमार ने 15 जन वितरण दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। एसडीओ संदीप कुमार ने महुआ प्रखंड के महुआ नगर पंचायत के अरविंद कुमार, राजेंद्र मंडल, शेरपुर मानीपुर पंचायत के रमेश ठाकुर, फकीरा सिंह, गौसपुर चकमजाहिद पंचायत के नरेश प्रसाद सिंह एवं मिर्जानगर के श्री रामलाल, फुलवरिया के अयोध्या सिंह, मऊराही पंचायत के 5 डीलरों पर महुआ एमओ को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। जंदाहा एमओ को सैदपुर बहसी पंचायत के रामविलास सिंह तथा चेहरा कला प्रखंड के रुसुलपुर फतह पंचायत के भोला पासवान, पातेपुर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी को बेला दरगाह के डीलर सोहेल आलम पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन को लेकर महुआ में नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सड़क किनारे लगे फलों के दुकान को गांधी मैदान में शिफ्ट कर दिया है। इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल डिफरेंसेस को लेकर सड़क किनारे लगे फलों को दुकान को गांधी मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि लोगों में सामाजिक दूरियाँ बनी रहें और कोरोना वायरस न फैले। महुआ के विभिन्न भागों में लोक आस्था के महापर्व चैत्र छठ के दूसरे दिन खरना का पूजा किया गया। इस दौरान छठ व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत किया तथा खरना की पूजा अर्चना की तथा चूल्हे पर प्रसाद बनाया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक छठ गीत भी गाए तथा लोगों को प्रसाद दिया। सरा गला अनाज दिए से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर किया हंगामा, बाद में मुखिया के बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला। महुआ प्रखंड क्षेत्र के सिंघारा दक्षिणी पंचायत के डीलर श्याम बाबू पासवान द्वारा सरा गला अनाज दिए जाने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि डीलर द्वारा सरा गला अनाज दिया जा रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत मुखिया से की। वहीं मुखिया रूपतारा देवी ने इस संबंध में महुआ एसडीओ को एक आवेदन दिया है जिसमें इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की है।